हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू DIY क्राफ्ट विद सिल्विया। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने लिए है ये पुरानी बेडशीट, इसकी जगह आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो इसी में से हमें पीसेस को कट करना है। तो ये 3 रेक्टेंगल पीसेस हमने कट कर लिए हैं, 2 पीसेस हमें साइड्स के लिए कट किए हैं और 1 हमने बॉटम के लिए कट किया है। तो इस तरह से हमने 3 पीसेस जो है कट करके रख लिए हैं। तो तीनों पीसेस का मेजरमेंट हमें सेम रखना है, 18 इंच इनकी जो हमें लेंथ लेनी है और 18 इंच ही हमें इनकी विड्थ लेनी है। तो इस तरह से हमें तीनों पीसेस को बराबर बराबर कट करना है। अभी हमें बॉटम वाला पार्ट एक साइड रख देना है। तो ये 2 पीस हैं हमारे, इनकी हमें मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हम दोनों को ही उल्टा करके रख लेंगे। तो दोनों पीसेस को उल्टा करके हमने रख लिया है। अभी हमें इनकी मार्किंग करनी है। तो ऊपर से लेंगे हम 6 इंच, ऊपर से हमें 6 इंच पे निशान लगा लेना है। अभी हमें ऊपर से नीचे की साइड 9 इंच पे निशान लगाना है और अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हमें इस साइड भी मार्किंग करनी है। तो इस साइड हम ऊपर से लेंगे 8 इंच, इस तरह से 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। अभी हमें इस तरह से दोनों निशानों को मिला देना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से हमने अच्छे से लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी हमें ऊपर से गोलाई देनी है इस तरह से, और नीचे भी हमें इसी तरह से गोलाई देनी है। तो मार्किंग हमारी हो गई है, अभी हमें कटिंग करनी है। तो गोलाई का शेप देते हुए ही हमें इसमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने दोनों पीसेस की कटिंग कर ली है। तो अभी हमें इसका मेजरमेंट करना है। तो इंच टेप को हम इस तरह से रखेंगे, ऊपर से घुमाते हुए इंच टेप को इस तरह से हमें इसका मेजरमेंट कर लेना है। तो टोटल हमारा आएगा इसमें 56 इंच, यानी कि 56 इंच। इस तरह से हमें इसकी जो है लेंथ नाप लेनी है। तो दोनों पीसेस की इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। तो हमारे साइड वाले पीसेस है ना, उनको हम साइड में रख देंगे और ये वाला पीस है हमारा, इसका हमें मार्किंग करनी है। तो इसकी जो विड्थ है वो हम लेंगे 18 इंच। और इसकी लेंथ लेंगे हम 56 इंच, यानी कि 56 इंच हमें इसकी लेंथ ले लेनी है। तो अभी हमारा जो बॉटम वाला पीस है ना, उसमें हमें जिप को अटैच करना है। तो ये हमने लिए जिप, इसको हम इसमें अटैच करेंगे। तो ये बॉटम वाला पीस है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इनकी कटिंग कर ली है। अभी हमें इसमें जो है जिप को अटैच करना है। तो इस तरह से जिप को रखेंगे और सिलाई लगाते हुए इसमें हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें जिप को अटैच करना है। तो ये जिप हमारी जो है अटैच हो गई है। अभी हमने जो है साइड्स वाले पीसेस को लेना है, एक पीस को साइड में रख देंगे और एक ये वाला पीस है, इसमें हम इस वाले फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो इसकी जो लेंथ ली थी हमने 56 इंच ली थी और इसकी जो विड्थ है वो 18 इंच ली थी। तो इस तरह से हमें उल्टा करते हुए इसको इस तरह से इसमें अटैच करना है। तो या तो आप पिन से सिक्योर इसको कर लीजिएगा या फिर आप ऐसे भी इसमें इसको अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको फैब्रिक को अटैच करेंगे इसमें और नीचे तक इसको इस तरह से लेके आएंगे सिलते हुए।
तो इसको हम इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो जो साइड्स वाला पीस है इसको हमने एक साइड अटैच कर लिया है, इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी दूसरे वाले पीस को अटैच करना है। तो जिस तरह से हमने पहले साइड वाला पीस अटैच किया है उसी तरह से हमें इस वाले पीस को भी इस दूसरी साइड में अटैच कर लेना है। तो दोनों ही साइड हमने साइड वाले पीसेस को जो है अटैच कर लिया है, इस साइड भी और इस साइड भी हमने इस पीस को अटैच कर लिया है। इस तरह से हमने दोनों पीसेस को अटैच कर लेना है। अब नीचे की साइड हमने बॉटम वाले पीस को अटैच करना है जिसमें कि हमने जिप लगाई थी। तो इस तरह से इस पीस को हम उल्टा करके रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसको दोनों कॉर्नर से इस तरह से पकड़ते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। चारों कॉर्नर्स पे हमें अच्छे से इसमें सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमारा बॉटम वाला पीस भी अटैच हो गया है। अभी हम जिप को इस तरह से खोल लेंगे और इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। अभी हमें इसमें पुराने जितने भी हमारे पास कपड़े हैं वो सबको हम इसमें फिल कर लेंगे, लेकिन हम ऊपर की साइड से पहले इसमें कपड़ों को फिल करेंगे। तो अच्छे से दबाते हुए हमें इसको फिल करना है। तो फ्रंट साइड हम देख सकते हैं अभी ये बहुत खाली है। तो इस तरह से हमें इसमें कपड़ों को अच्छे से दबा दबा के फिल करना है, कहीं से भी ये खाली नहीं रहना चाहिए। अच्छे से दबा दबा के इसमें हम कपड़ों को फिल करेंगे। तो फाइनल लुक हम देख सकते हैं, हमारा जो फ्लोर सोफा है वो बन के तैयार हो गया है। अच्छे से दबा दबा के हमने कपड़ों को इसमें फिल किया है। तो फ्रेंड्स, इस फ्लोर सोफे को बनाना है बहुत आसान, तो आप भी इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।